हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक ऑस्कर कंपनी का टीवी है और यह टीवी दोस्तों चाइना का है और इसमें जो है दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इसका पिक्चर झिलमिला रहा है, पिक्चर के साथ है पतला पतला रिट्रेस लाइन और आप देख भी रहे हैं ये सब लाइनिंग आ रहा है और कभी के दाल दोस्तों ऊपर और नीचे से पिक्चर इतना और इतना ऊपर से दोनों साइड से दोस्तों हाफ हाफ इंच छोटा हो जा रहा है, आधा आधा इंच छोटा हो जा रहा है और कभी के दाल दोस्तों चारों तरफ से भी हो रहा है और कभी नहीं भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम ये भी कोड लगाते हैं तो इसमें पिक्चर जो है झिलमिलाहट के साथ आता है। चलिए आपको लगा के दिखाते हैं। ये देखिए हम ये भी कोड दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं और ये देखिए दोस्तों इसका पिक्चर कैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी पिक्चर हम ज़्यादा देरी आपको चला के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आएगा, इसलिए दोस्तों हम ये भी कोड निकाल दिए थे। आप ध्यानपूर्वक दोस्तों एक बार देख लीजिए, यह देखिए पिक्चर कैसा झिलमिलाहट के साथ आ रहा है और दोस्तों इसमें जो है देखने पर आँख पर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम ये भी कोड निकाल ले रहे हैं। तो आप स्थिर से देख लिए हैं, यह जो समस्या है दोस्तों पिक्चर का आप जो देख रहे हैं झिलमिलाहट और ऊपर और नीचे से हाफ हाफ इंच छोटा हो जा रहा है, यह जो हमारा समस्या आया है यह भटकल सेक्शन की समस्या है दोस्तों। ठीक है, तो भटकल सेक्शन में अगर हमारा खराबी आएगा तो इस किस्म का फॉल्ट आएगा और भटकल सेक्शन में वह भी खराबी होगा दोस्तों, कैपेसिटर कंडेंसर जो है दोस्तों हमारा लीक कर गया है, इसीलिए दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। जब कंडेंसर हमारा कैपेसिटर लीक होता है तो ऐसे ही दोस्तों प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको खोल कर और बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा कैपेसिटर लीक है। तो सबसे पहले हम टीवी को बंद कर लेते हैं और ये भी कोड निकाल देते हैं और दोस्तों इसको खोलते हैं। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए अंत तक, तभी आप पूर्ण रूप से समझेंगे दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि आपको ऐसे टेक्निकल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको खोलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हमने टीवी को खोल दिए हैं और टीवी के पीछे आ गए हैं। अब दोस्तों हम इसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक बार दोस्तों आउटपुट वोल्टेज चेक करके दोस्तों दिखा देते हैं पावर सप्लाई का। ऐसे दोस्तों वोल्टेज चेक करने से हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमको कंडेंसर ही दोस्तों कैपेसिटर ही चेक करके बदलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आप वोल्टेज देख लीजिए, तो सबसे पहले मीटर को डीसी मोड में सेट कर देते हैं और दोस्तों अब इसको हम एक काला प्रोट जो है इसको अर्थ कर देंगे पिक्चर टीवी के कोने पर और दोस्तों दूसरे सिरे से दोस्तों इसका वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टीवी को कर लेते हैं स्टार्ट, उसके बाद दोस्तों चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम टीवी में सप्लाई देते हैं, तो टीवी में हमने सप्लाई दे दिए दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा 110 वोल्ट, ये देखिए दोस्तों हमारा 110 वोल्ट जो है सही दिखा रहा है। आप देख लीजिए आप दोस्तों भटकल सेक्शन का वोल्टेज, तो भटकल सेक्शन का वोल्टेज दोस्तों हमारा यहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों यह भी वोल्टेज 23.5 वोल्ट आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों देखिए यह साउंड सेक्शन का वोल्टेज, ये तो हमारा वोल्टेज सही है। अभी दोस्तों टीवी में हम केवल सप्लाई दिए, टीवी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी दोस्तों हम इसको रिमोट से या पैनल बटन से दोस्तों हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा टीवी स्टार्ट हो गया है और स्टार्टिंग के बाद दोस्तों वोल्टेज देखिए यहाँ पर 108 वोल्ट ओके है और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब भटकल सेक्शन का हमारा वोल्टेज यहाँ पर 24 वोल्टेज से कुछ 1 पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, और यह दोस्तों हमारा साउंड सेक्शन का वोल्टेज है और एक वोल्टेज दोस्तों इसमें और निकल रहा है, वह देखिए दोस्तों इसमें हाई वोल्टेज है, यह देखिए 182 वोल्टेज। ठीक है, और यह दोस्तों हॉरिजॉन्टल सेक्शन को गया है, इसमें दोस्तों ऐसा बनाया है और इसका सिस्टम आईसी जो है 76931 इसका सिस्टम आईसी जो है दोस्तों लगा हुआ है। पिक्चर टीवी हमारा स्टार्ट है, टीवी पे आप स्क्रीन देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए टीवी हमारा स्टार्ट है। तो दोस्तों आप भटकल सेक्शन को हम अच्छी तरह इसका कंडेंसर कैपेसिटर जो है चेक कर लेते हैं कि कौन सा कैपेसिटर खराब है, उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमको अच्छी तरह चेक करने के बाद पता चला है कि हमारा जो कैपेसिटर लीक है वह दोस्तों देखिए यहाँ वाला कैपेसिटर लीक है और इसका दोस्तों रंग रूप बदल गया है, यह फटा हुआ है, लीक किया हुआ है। चलिए आपको नज़दीक से दिखा देते हैं, यह देखिए दोस्तों हमारा यही कैपेसिटर खराब है, इसका रंग रूप जो है दोस्तों चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को हम दोस्तों बाहर निकाल लेते हैं, देखिए यह दूसरा कैपेसिटर, यह देखिए दोस्तों कैसा है ऊपर से और यह देखिए दोस्तों कैसा है,
दोनों का दोस्तों देखिए यह फटा हुआ है, लीक किए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों बताएंगे कि इसका नंबर कितना है और न्यू लगाकर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों हम कैपेसिटर को बाहर निकाल लिए हैं, यह देखिए दोस्तों, और इस कैपेसिटर का नंबर है दोस्तों 100 MFD 16 वोल्ट का कंडेंसर है, यानी 100 μF 16 वोल्ट का कंडेंसर है। और दोस्तों हर कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो देखिए इस कैपेसिटर में यह जो वाला चिन्ह देख रहे हैं माइनस का, यह नेगेटिव है और इस साइड दोस्तों पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम सेम दोस्तों न्यू कंडेंसर आपको लगा के दिखाते हैं। इसका देखिए ऊपर से यह थोड़ा सा जो है दोस्तों फटा हुआ है, लीक कर गया है, और यह नीचे से भी दोस्तों फटा हुआ है। यह देखिए दोस्तों यही यह कैपेसिटर जो है दोस्तों हमारा लीक कर गया है। तो चलिए इसके जगह पर न्यू कैपेसिटर लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास जो कैपेसिटर है वह 100 MFD 50 वोल्ट का कंडेंसर है, तो हम सेम यही कंडेंसर लगाएंगे। पुराना वाला जो कंडेंसर था 100 MFD 16 वोल्ट, और हमारे पास 100 MFD 50 वोल्ट का कंडेंसर था। तो दोस्तों हमारा केवल दो है दोस्तों वोल्टेज में अंतर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम इसको किट में लगा लेते हैं। तो इस न्यू कैपेसिटर को दोस्तों हम लगा लेते हैं, नेगेटिव को लगेंगे नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे, ठीक है, तभी दोस्तों हमारा कैपेसिटर काम करेगा। चलिए अब इसको सोल्डिंग कर देते हैं। चलिए दोस्तों इसको सोल्डिंग कर देते हैं, आप अच्छी तरह देख लीजिए तभी आप पूर्ण रूप से समझेंगे दोस्तों। ये हो गया, और जो फालतू का यह जो पिन है दोस्तों इसको काट कर निकाल देंगे बाहर। चलिए यह भी हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आपको टीवी स्टार्ट करके और पिक्चर चला के दिखाते हैं, ठीक है। तो यह भी कोड हम लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारा टीवी स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। अब हम ये भी कोड लगाते हैं और उसके बाद दोस्तों देखिएगा इसका पिक्चर। तो ये भी कोड दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे और पिक्चर भी हमारा दोस्तों आ गया है और बिल्कुल दोस्तों साफ आया है, किसी प्रकार का कोई झिलमिलाहट नहीं है। चलिए दोस्तों अब आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर हमारा बिल्कुल सही आ गया है स्क्रीन पर, ये देखिए दोस्तों। अब इसमें किसी प्रकार का कोई झिलमिलाहट नहीं है, पिक्चर हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और भी बहुत से टीवी का दोस्तों अगर आप फॉल्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर दोस्तों एक से बढ़कर एक फॉल्ट देख सकते हैं और बनाने का विधि सीख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।